वरुण धवन की एक मूवी आई थी जुड़वा टू जिसमें कोई कहानी नहीं थी जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था एक्टिंग की बात करें तो इतनी बकवास एक्टिंग वाहियात मूवी थी जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज था लोगों को इरीटेट किया जाए फिर भी ये मूवी अच्छा खासा बिजनेस करके चली जाती है लोग पहले से भी चिल्ला रहे थे नेपोटिज्म हो रहा है नेपोटिज्म हो रहा है लेकिन अब फिर से जब सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद ये फिर से चिल्लाना शुरू हो गए नेपोटिज्म हो रहा है नेपोटिज्म हो रहा है और असलियत में इस नेपोटिज्म को बढ़ावा कौन देता है ये जनता ही तो इस नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रही है तुम ही तो हो जो अच्छी मूवी आती है उसको नहीं देखते हो सुशांत सिंह राजपूत की जो सोनचो जो मूवी थी उन्होंने ट्वीट कर करके ये कहा था कि उनकी मूवी जाकर थिएटर में देखो अगर वो नहीं देखोगे तो उन्हें बॉलीवुड से निकाल दिया जाएगा तुम लोग वही जाकर घटिया मूवी देखते हो जिनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जिनमें कोई कहानी नहीं है जिसमें कोई एक्टिंग नहीं है जैसे जुड़वा टू मूवी हो गई ये आज की जिसमें नया कॉन्सेप्ट था इतनी जबरदस्त एक्टिंग की गई थी उस मूवी को कहीं पर भी मैंने कहीं नहीं देखा उस मूवी के बारे में कहीं बात हो रही हो लेकिन जब ये बागी थ्री आती है तो लोग उस मूवी को देखने के लिए पागल हो जाते हैं मैंने जब से मूवी रिव्यू स्टार्ट किया है तो लोग बहुत सारे जो कॉमेंट आते हैं मुझे ज़्यादातर कमेंट मैं कहूँगा कि सो जब कमेंट आते हैं तो सो में से सिक्सटी जो कमेंट होते हैं मुझे गालियाँ ही दे रहे होते हैं वो यही कहते हैं कि तुझे नहीं पता इस मूवी के बारे में तू कुछ नहीं जानता अरे भाई तुम उस प्रोपोगेंडा को समझो उसकी तुम आंख खोल के तो मूवी देखा करो ना अपना आँख खोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये आँखें की बात कर रहा कराऊँ मतलब दिमाग की आँखें खोल के मूवी देखा करो कि उसमें दिखाने की क्या कोशिश की जा रही है उसमें कहानी क्या है उनकी एक्टिंग क्या है वो चीज़ें तुम नहीं देखोगे बस मंदबुद्धि होकर जो तुम्हारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है वो उसे अपने मुंह में लाकर बस बखना स्टार्ट कर देते हो इस जनता के पास ही आईक्यू की कमी है जिसको ये नहीं पता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है वो अच्छे बुरे में पहचान करने में अपनी क्षमता खो चुकी है तो एक बड़े कलाकार का नाम सुनकर जो एक बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम सुनकर उसकी मूवी देखने चले जाते हैं और मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि ये वही जनता है जो सौ पचास की कोई चीज खरीदती है किसी दुकानदार से उससे बहुत ज्यादा वो बहस करती है और उसे ये भी कहती है कि अगर ये चीज खराब निकली तो उस दुकानदार को पैसे वापस देने पड़ेंगे लेकिन ये वही ये जनता वहां क्यों चुप हो जाती है जहां पर उनको सिनेमा में इन बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के द्वारा इतनी वाहियात इतनी टट्टी मूवी दिखाई जाती है और इनके मुंह से चूंकी आवाज भी नहीं निकलती और कुछ दिन रुक जाओ जो तुम ये इतना नेपोटिज्म नेपोटिज्म चला रहे हो कुछ टाइम के बाद जब ये न्यूज सुशांत सिंह राजपूत की की डेथ जो सुसाइड की जो न्यूज है उसे शांत होने दो फिर उसके बाद देखना तुम ही लोग नॉर्मल हो जाओगे और तुम ही लोग उसी फैमिली की उसी एक फैमिली की जाकर मूवी देखना फिर से स्टार्ट कर दोगे और सीरियसली अगर तुम इस नेपोटिज्म को रोकना चाहते हो तो तुम्हें एक्चुअल में उन लोगों को सपोर्ट करना होगा जो बहुत मेहनत करके इस इंडस्ट्री में अपना नाम कमाते हैं भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका था तो उसके पीछे मकसद जब उन्होंने बताया था कि बहरों को सुनाने के लिए एक बड़ा धमाका करना पड़ता है और ये बॉलीवुड एक वही एक बहरा एक कह सकते हैं कि असेंबली है जिनको कुछ सुनाई नहीं देता नेपोटिज्म नेपोटिज्म तुम चिल्ला के रह जाओगे इनके कान पर बिल्कुल भी जू तक नहीं रेंगने वाली और टाइम तो यही है कि भाई हाँ बड़ा धमाका करो धमाका क्या होगा उन घटिया उन वाहियात एक्टर एक्ट्रेस को बाहर करो बॉयकॉट करो उनकी मूवी देखना बंद करो और उन लोगों को सपोर्ट करो जो एक्चुअल में मेहनत करके आगे आते हैं और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो सीरियसली कह रहा हूं यार कोई फायदा नहीं होगा कुछ टाइम बाद ये सब चीजें जो ट्रेंड में चल रही हैं ट्विटर पे जो इतनी ज्यादा हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बॉलीवुड को लेकर तो सच में कुछ टाइम बाद इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर तुम इसे सीरियसली नहीं ले रहे हो ये हाई टाइम है इस कचरे को हटाने में ये बॉलीवुड एक नंबर का कचरा मूवी बना रही है कुछ एक मूवी हम मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी होती है जिसमें एक्टर कुछ एक एक्टर कुछ एक एक्ट्रेस बहुत अच्छे काम करती हैं जिनको नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है वरना ये फिल्म फेयर अवार्ड तो एक दूसरे के लिए खिलौने के काम ही आते हैं कोई किसी ने इसको एक दूसरे को दे दिया उसने इसको दे दिया इन सब चीज़ों से पहचान नहीं होती एक अच्छे एक्टर एक्ट्रेस की जो एक्चुअल में जिनको नेशनल अवार्ड मिलते हैं उनको जाकर देखो वो कितनी मेहनत करते हैं तो मैं फिर से यही कहूँगा कि सपोर्ट करो उन लोगों को जो बहुत मेहनत करके इस इंडस्ट्री में अपना नाम कमाते हैं